यूपी के महाराजगंज में कांग्रेसियों ने जमकर काटा बवाल, बीजेपी के विरुद्ध देश भर में खोल दिया मोर्चा। जिला मुख्यालय पर दिन भर किया प्रदर्शन, दिया ज्ञापन। बता दें आज देश भर में जहां कांग्रेस प्रदर्शन कर विदेश भागने वालों के विरुद्ध आंदोलन कर रही है, वहीं बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। जिसके क्रम में आज महाराजगंज जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ता ने प्रदर्शन कर धरना दिया और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों को मिलीभगत से उद्योगपति सरकार का करोड़ों रुपया लेकर भाग रहे हैं। वहीं आमजन का रुपया हर बैंक काट कर मालामाल हो रहा है। आमजन की महंगाई को लेकर जहाँ बेहद परेशानी है, वहीं सरकार के लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आमजन के खातों के बैलेंस कटौती तथा बैंक के नए नियमों को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर बीजेपी को कोसते रहे। ये प्रोग्राम का आयोजन ये है, जो भी घोटाले हुए हैं, पीएनबी के घोटाले 11,500 करोड़ का है, अभी रोटोमैक के मालिक जो कोठारी है उनका 4,500 करोड़ का है, कुल मिला जुला लगभग 25,000 करोड़ का घोटाला है। सरकार से मेरी ये डिमांड है, जब ऐसे लोग पे वो लोग अंकुश नहीं लगा सकते हैं, उस केस में सारे भारतवासी 130 करोड़ की जनता है, इनके खाते से पैसा बिना मतलब का काट दिया जा रहा है। आरबीआई ने अभी काटा, एसबीआई ने काटा करीब 90 करोड़ रुपया, तो उनसे रिकवर नहीं कर पा रही है। तो हमारा बैंक का जब ट्रांजेक्शन का चार्ज होता है उसको घटा दे, एफडी हम लोग जमा करते हैं उस पर 9% पहले मिलता था, अब 4% मिल रहा है, उसको 9% करें। जो हम लोग लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, उस पर 12% ब्याज देते हैं, उसको 4% करें। अगर ये भी नहीं सरकार कर पा रही है तो सरकार के पास जितने विधायक हैं, करीब 8500 विधायक और 547 सांसद हैं, एक महीने की सैलरी उन लोगों की 90 करोड़ है। अगर इसको 6 महीने से डिवाइड किया जा तो करीब 685,000 करोड़ का ये हो रहा है सैलरी, जो राजकीय कोष में अगर अनुदान करेंगे 6 महीने की सैलरी, जिससे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी और सारे किसान खुशहाल हो जाएंगे। ये हमारा ये डिमांड है। जनपद महाराजगंज से गुलाम गौसर राइन की रिपोर्ट।